हम अभी फ्रेशर हैं, मेरे पास अभी नहीं एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे फ्रेशर से जाएं कि एक इंटर्नशिप भी होता है उससे जाएं? थापा टेक्निकल नाम का एक है चैनल है। हाँ, मैं अपना चैनल मतलब क्यों नाम लूंगा हम, और चावल फिर में क्या क्या टॉपिक आएगा आप बोलोगे तो मैं आपको मतलब बता भी दूंगा, लिख लो वो सा टॉपिक, उसके बारे में पूछेंगे वो लोग। चार पांच इंटरव्यू दो तुमको वहाँ से, मतलब वो बोले हैं कि ये आपको नहीं आता है कुछ, ठीक है भाई हमको नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन जो मतलब वो लोग पूछ रहे हैं तुम सब आगे लिख लो पेन पेपर में। आप क्या करो मैं बता रहा हूँ, HTML CSS JavaScript हो गया आपका, तीनों हो गया अच्छा सा। तो यार मैं अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी में भी लगा हूँ, इसके रिकॉर्डिंग यार मुझको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे इंटर्नशिप के लिए कंपनीज ढूंढने में, क्योंकि अभी मैं फ्रेशर ही हूँ। तो इससे रिकॉर्डिंग मैंने यार एक यूट्यूबर भैया है मेरे, तो उनसे मैंने कनेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझको यार मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि आप लोगों के लिए मुझको लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे और उनके बीच की, जो कुछ भी बातें हुई है वो आप सुनोगे। उन्होंने मतलब सारी चीज़ें बताई कैसे तुमको एक फ्रेशर के लिए कंपनी ढूंढनी है, कैसे उनको अप्रोच करना है, कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार करनी है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और वो भैया भी माइंट्री बेंगलोर में बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो चलो ये वीडियो को देखते हैं, ये वीडियो का देखो फर्स्ट पार्ट होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 20 मिनट अब हो गया है और पूरी जो रिकॉर्डिंग थी वही 50 मिनट की हो गई थी, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसमें इसको पार्ट फर्स्ट करके डाल रहा हूँ, ठीक है ना। सेकेंड वाले पार्ट में क्या होगा कि मैंने उनको मैंने जैसे दो तीन कंपनीज में अप्लाई किया था तो उधर मुझे प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन आया था तो मेरे से वो बन नहीं रहे थे, तो इसका सोल्यूशन उन्होंने बताया है, ठीक है ना। तो सेकेंड वाले में ये रहेगा, तो चलो ये वीडियो को पूरा जरूर देखो और पूरा देखोगे तो देखो बहुत कुछ तुमको जानने को मिलेगा, ठीक है ना। बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि तुम छोड़ दोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो कहोगे कि ये जान लिया होते तो ठीक होता। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ बता दूंगा क्या डाउट था। हाँ और कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है। पहली बात तो भैया आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके वीडियोस के लिए, बहुत हेल्पफुल हैं और जिस तरीके से आप बताते हैं ना एक बिगनर को मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है आपके वीडियो से, तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और थोड़ा मैं जैसे अभी स्टूडेंट ही हूँ तो यही डोमेन है मेरा रिएक्ट जेएस का ही, तो अब ऐसे जगह से मैं आता नहीं तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ना तो मेरे आगे पीछे मतलब कोई है नहीं बताने वाला इस फील्ड में, तो वही मैं सोचा कि एक बार आपसे बात करूँ कुछ आप बताएं। आप क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? पढ़ाई में मेरा MCA हो रहा है, अभी सेकेंड ईयर हो रहा है, मतलब ये लास्ट ईयर है और मैं ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ, अभी रिएक्ट सीख रहा हूँ। और नहीं तो मतलब कॉलेज में जहाँ पे है मतलब वहाँ पे कंपनीज नहीं आती हैं क्या? नहीं नहीं कॉलेज बिल्कुल मेरा डिस्टेंस है एक्चुअली, तो मेरा अच्छा। मेरा तो आपके डिस्टेंस हाँ। तो और तो अच्छा है, आप अपने से सारा स्किल मतलब वो सीख के और ऑफलाइन से ये करो अप्लाई करो। यस यस यही मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो ठीक था, मैंने JS तक सीखा लेकिन रिएक्ट में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही, मतलब कैसे पढ़ूँ क्या पढ़ूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तो आपको नहीं आता रिएक्ट तो आप उसका मतलब क्यों ले रहे हो लोड? आप जॉब के लिए तो करो अप्लाई। नहीं जॉब हाँ जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया और एक जॉब के लिए अभी मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझको टास्क दिया। फिलहाल मेन प्रॉब्लम यह है कि जॉब के लिए जब अप्लाई करता हूँ तो वो लोग वो एक्सपीरियंस मांगने लगते हैं कितना एक्सपीरियंस है, तो इसी में फिर दिक्कत हो जाता है। कॉलेज का आपके पास है ना डिग्री? अभी तो MCA चल रहा है, अभी डिग्री नहीं। मतलब BCA का आपके पास है ना डिग्री? BSc किया हूँ, BSc। हाँ BSc का डिग्री है ना। डिग्री की प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोग मतलब पूछते हैं। आप अगर जा रहे हो हाँ फ्रेशर जा रहे हो अगर हाँ तो आप कंपनी को मतलब सीधे मैंने ये बोल सकते हो कि देखिए हम अभी फ्रेशर है, मेरे पास अभी नहीं एक्सपीरियंस, ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये एक्सपीरियंस है क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट का जो आपने मतलब वो किया होगा अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा वो एक्सपीरियंस है, बाकी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। फ्रेशर हमको मैंने ये अप लीजिए तो मेरा स्किल्स मतलब ये है, आप इसके ऊपर मेरा लीजिए इंटरव्यू। ये आप अगर सही कंपनी में अगर जाओगे अप्लाई करने तो आपको
नहीं मांगेंगे आपसे एक्सपीरियंस। कंपनीज मतलब ये देखती है अपने कि मतलब जब बंदा ये क्या बोलते काम ही नहीं किया है तो मैं मतलब क्यों मांगू फिर ये एक्सपीरियंस। तो आप ये क्या बोलते लिंक्डइन में जाओ, नौकरी में जाओ, वहाँ पर जाके अप्लाई करो। मैंने भैया बहुत कंपनी में अप्लाई किया लेकिन कहीं से कुछ रिस्पांस नहीं आया अभी। मतलब दो तो आपका रिज्यूमे बढ़िया नहीं होगा, अब आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा, कुछ रिज्यूमे कुछ बनाओ प्रोजेक्ट। अभी एक मतलब कंपनी का रिप्लाई आया था। अभी तो आप मतलब एमसीए का सेकंड ईयर में हो ना? हाँ तो अभी अगर टाइम है आप पढ़ लो रिएक्ट में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, और पढ़ के आप कुछ एक मतलब वो कर लो प्रोजेक्ट अपना, और वो आप मतलब वहाँ पे दिखा दो कि मैंने मतलब ये बनाया है सीख के और इसका मतलब ये है यूज है, तो बस बहुत है। कंपनी मतलब सर्च करने का प्रोसेस क्या हुई? जैसे मैं यहाँ प्रयास मेरा जो है ना वो आपने देखा होगा मतलब मेरा वीडियो ऑफ कैंपस वाला, वहाँ मैं प्रॉपर दिखा दिया है वहाँ तो कि आप कैसे कैनवा में अपना ये बनाओगे रिज्यूमे, कैसे अप्लाई करोगे। कंपनी प्रोसेस का मैं सिंपल है कि आपको हर दिन एक्टिव रहना पड़ेगा। इवन आज तक मतलब मैं ये क्या बोलता हूँ जॉब में हूँ फिर भी मतलब मैं रहता हूँ एक्टिव वहाँ वहाँ ये क्या बोलते हैं नौकरी में लिंक्डइन में कि कब कुछ आ जाए मतलब ये अच्छा अपॉर्चुनिटी। तो ये तो है, ये थोड़ा मतलब एफर्ट वाला काम है, लेकिन हर दिन आपको नौकरी में वो रहना एक्टिव, अपना मतलब वो रेज्यूमे को अपडेट करते रहना है। मतलब क्या करो रिमूव करो फिर डाल दो, रिमूव करो फिर डाल दो, ट्रिक है वो उसका। अच्छा एक चीज और भैया, जैसे मान लीजिए ये जैसे फ्रेशर से जाएं कि एक इंटर्नशिप भी होता है उससे जाएं? तो इंटर्न आपके पास अगर अभी आप सेकंड ईयर में हो तो आप ये कर लो अप्लाई कर लो इंटर्नशिप के लिए भी। लिंक्डइन पे हो कि नहीं? लिंक्डइन पे हूँ भैया, कनेक्शन भी बनाया हूँ, 60-70 लोग हैं। लिंक्डइन में हो तो आप चुपचाप जाके मतलब सर्च करो कि फ्रंट एंड डेवलपर या जो भी आपको मतलब ये इंटरेस्ट है डेवलपर या जो भी, वहाँ आपको काफी लोग मिल जाएंगे। आप चुपचाप वहाँ जाके सबको ऐड करते जाओ फ्रेंड लिस्ट में और ऐड कर दो और सबको मतलब फिर भेजो मैसेज कि भैया मैं मतलब ये हूँ क्या बोलते हैं फ्रेशर हूँ मैं, मेरा ये भी क्या बोलते हैं ये लास्ट ईयर है तो क्या आपके कंपनी में है क्या ओपनिंग, अगर है तो प्लीज मतलब मुझे ये कर दो रेफर कर दो, ये रहा मेरा ये रेज्यूमे। तो 50 लोग में कम से कम 10 लोग का तो आ जाएगा आपको रिप्लाई आराम से आ जाएगा, क्योंकि रेफरल का पैसा मिलता है उन लोग को भी। अच्छा। पैसा जब भाई हाथ में तो भी क्यों नहीं वो करेंगे। अब जैसे आपका अभी सेकंड ईयर है, आप जब थर्ड ईयर में आ जाओगे तो बोलना मुझे नहीं, मैं थर्ड ईयर तक नहीं है लास्ट, मतलब ये चल रहा है अभी, दो सेमेस्टर केवल होगा इस साल, नेक्स्ट ईयर मतलब मार्च तक में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर मार्च में कम्प्लीट हो जाएगा? हाँ तो मतलब जुलाई अगस्त में आप लोग का मेन रहेगा पिक टाइम, जुलाई अगस्त आई ना गया अभी आपका पिक टाइम है फिर तो, चल रहा है। तो आपके जो कॉलेज में आसपास मतलब है जो भी आप ले रहे हो डिस्टेंस, तो बच्चे लोग से नहीं बात करते क्या कि भाई अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए? सर मैं जिस कॉलेज में हूँ उसमें केवल मतलब 10-12 बच्चे हैं ही हैं, और जैसे कि मैं तो डायरेक्ट बीएससी से उठ के आया हूँ, बीसीए भी नहीं किया हूँ, तो मुझको तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, और जितना मेरे साथ वाले हैं सभी लोग प्लेस हैं तो उनसे ज्यादा परिचय मेरा है नहीं, तो इसीलिए आपका मतलब 70 पार हो जाएगा ना? 70 अब 65 बना रहे हैं वो लोग, 70 तक नहीं बना। ट्राई करो 70 ले जाने का, नहीं हो रहा है तो भी मतलब देखो कंपनीज ये सब जैसे आपका एक्सेंचर हो गया, माइंट्री हो गया, ये सब आपको 65 तक भी हमको लगता है कि मान लेते हैं शायद, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मान लेते हैं। अच्छा तो आप अप्लाई करते रहो, वही एक है चांस। आप अपना ये क्या बोलते रिज्यूमे में जो आप मैंने क्या लिख रहे हो प्रोजेक्ट में अब जैसे ऐसे तो कुछ है नहीं, सीएसएस के क्लोन्स बनाए थे उसको डाला हूँ। आप जैसे आपने बोला सीएसएस का बनाया क्लोन, क्या क्लोन बनाया? क्लोन तो एक फूड वेबसाइट बनाया हूँ और फ्लिपकार्ट का क्लोन उसमें हम तो वो अच्छा चीज है, वो एक्चुअली अच्छा चीज है, फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाया हो ना? हाँ डाल दो वहाँ की मतलब मैंने बनाया है सीएसएस का यूज किया, सब चीज उसको डाला हूँ। स्किल्स में मैंने बहुत सारे मतलब डाल दिए, मतलब जो जो मुझसे आता है जैसे गिटहब हो गया, बूट स्ट्रैप, जेक्वेरी, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें मैंने डाल दिया है। हाँ तो सीएसएस मतलब आपका मतलब मेन क्या है स्किल? फ्रंट एंड ही है? फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस।
तो ठीक है, आपका तो फिर वही हो गया, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery, यही सब हो गया। आपका एक हो गया वो प्रोजेक्ट, एक और आप कुछ रिएक्ट का मतलब क्या बोलते हैं यूज करके बना लो प्रोजेक्ट रिएक्ट में। बेसिक लेकिन भैया मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं मतलब पढ़ तो लेता हूँ उसको इम्प्लीमेंट। मैं बता रहा हूँ, थापा टेक्निकल नाम का एक है चैनल है। हाँ हाँ ठीक है, टेक्निकल मैं अपना चैनल का ही मतलब क्यों नाम लूंगा, मतलब काफी अच्छे अच्छे लोग हैं समझाने वाले। थापा टेक्निकल नाम का एक है बंदा, उसका आप देखोगे अगर मैंने वीडियोस, उस बंदे ने काफी अच्छा से मतलब समझाया रिएक्ट का हर चीज, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश के लिए एक और बंदा है पेड्रो टेक, वो इंग्लिश चैनल है लेकिन लेकिन वो मतलब बहुत अच्छा से समझाता है। तो उसने अभी एक अपना नया मैं स्टार्ट किया सीरीज पर रिएक्ट पे। तो ये दोनों मतलब काफी अच्छे अच्छे हैं बंदे, आप एक चीज और जानना था, जैसे मैं रिएक्ट अगर कोई सीखने जा रहा है तो मतलब उसको जावा स्क्रिप्ट मतलब पूरी आना चाहिए उसको, जितना पूरा नहीं आना चाहिए कोर जावा बस स्क्रिप्ट, 5-6 कॉन्सेप्ट, बस 5-6 कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब इंटरव्यू में तो जावा स्क्रिप्ट ही पूछा जाता है रिएक्ट के, तो रिएक्ट का आप इंटरव्यू दो या फिर आप एंगुलर इंटरव्यू दो, पहला राउंड आपसे HTML, CSS, JavaScript पूछेंगे ही। और JavaScript में क्या क्या टॉपिक आएगा आप बोलोगे तो मैं आपको मतलब बता भी दूंगा, लिख लो वो सा टॉपिक, उसके बारे में पूछेंगे वो लोग। अच्छा मेन बता दीजिए फिर, जीना चुना टॉपिक रहता है उसी में से घुमाते रहते हैं। इंटरव्यू निकालने का सबसे बेस्ट वे है इंटरव्यू जाके दो, छटाओगे सीख जाओगे अपने क्या पूछता है। कम से कम ट्राई करो 4-5 इंटरव्यू दो, तुमको वहां से मतलब बोले हैं कि ये आपको नहीं आता है कुछ, ठीक है भाई हमको नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन जो मतलब वो लोग पूछ रहे हैं तुम सब आगे लिख लो पेन पेपर में, ये हमसे मतलब पूछा गया, हम वही करते हैं आज तक जब भी जाते इंटरव्यू ना, कहीं ना कहीं मतलब वहां पे लिख लेते हैं कि ये पूछा। एक डाउट और आता है भैया कि जैसे अभी तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है रिएक्ट, और मैं अप्लाई करूं फिर वो लोग पूछेंगे तो ऐसे भी बात कंप्लीट का बात नहीं है, बात है कि आपका आपका टाइम आ गया, आपका मार्च में एंड हो जाता है। बीटेक में क्या होता है, थर्ड ईयर का एंड से कंपनी आना में ये स्टार्ट होता है। तो आपका भी तो मतलब वही ना है कि मतलब एमटेक का एंड में ही कंपनी आना स्टार्ट, कंपनी आपके पास नहीं आ रही है लेकिन एट द एंड मतलब टाइम तो आ ही गया है। तो आप क्या करो अभी जावा स्क्रिप्ट, जेक्वेरी, HTML, CSS, इन्हीं में से आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत कम ऐसे भी होती है कि आपको ले लेंगी, हाँ ठीक है चलो इसको कम से कम जावा स्क्रिप्ट आता है ना, मतलब कोर वही है, बाकी हम इसको रिएक्ट कंपनी के अंदर ही मतलब सिखा देंगे, बहुत ऐसे होती है कंपनी। और ऐसे भी प्रेशर लोग को लोग समझता है कि कुछ भी नहीं आता है सिखाना, मतलब हम ही लोग को है। तो इंटरव्यू में आपका बस खाली वो देखते हैं क्या बोलते हैं कोडिंग स्किल, तो कोडिंग आप आना चाहिए अच्छा से, जैसे आपका फॉर लूप मतलब व्हाइल लूप, कुछ लॉजिक लगाना हो गया, वो सब आप अच्छा से सीख लो। और मेरा अभी तो पूरा फोकस रिएक्ट पर ही है, सोच रहा हूँ कि एक बार रिएक्ट से वेबसाइट बनाना सीख लूँ, तो एक बार फिर से जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे ये पढ़ो अच्छे लोग अच्छा है, लेकिन ये सोच लो कि मैं जब पूरा पूरा परफेक्ट हो जाऊंगा तब दूंगा इंटरव्यू, परफेक्ट तो मतलब मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता ऐसे बोलो तो, आप बोलोगे भाई मैंने ये क्या बोल ये बता दो तो मुझे नहीं आता है, देखना पड़ेगा मुझे ऑनलाइन से, ठीक है ऐसा तो होता है। तो मेन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, भले आपको ऑन द स्पॉट सब कुछ आता हो नहीं आता हो, लेकिन आपको अगर काम मिले आप कर दो, वही कंपनी का होता है मेन दिमाग। आप क्या करो मैं बता रहा हूँ, HTML, CSS, JavaScript हो गया आपका, तीनों हो गया अच्छा से, YouTube में जाओ, तीनों के ऊपर जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं सर्च करो, टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन HTML, CSS, JavaScript का, सब लिख लो या जो भी मैंने याद कर लो, बस आपका हो गया प्रिपरेशन खत्म फ्रंट एंड का। अब और रिएक्ट पे, रिएक्ट पे आपका गिन के कॉन्सेप्ट 6-8 ही है, ठीक है, वो सर आप मतलब पढ़ लो अच्छे से, जैसे आपका पहला हो गया हुक्स, हो गया हुक्स आना चाहिए आपको, हुक्स समझ गए आप, हुक्स में जो भी आपका होता है यूज यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर, कन्ना टेकना जो भी होता है पढ़ लो वो सब आप। सेकंड हो गया आपका मतलब क्लास कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, सब क्या होता है पढ़ लो, पढ़ के आप सर्च करो टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन इन रिएक्ट, देख लो पढ़ लो, हो गया आपका खत्म इंटरव्यू प्रिपरेशन, आप जाके इंटरव्यू दो,
आपको ये नहीं करना है कि मैं जब पूरा साइट बना लूंगा रिएक्ट में या पूरा सीख लूंगा क्या होता है रीडर्स पूरा अच्छे से तभी मैं इंटरव्यू दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यूअर को भी उतना मतलब डीप नॉलेज नहीं होता है, तो आपको प्रॉपरनेस सीखना है। आप टाइम लगाओ कि मैं इतना देर में सारा इंटरव्यू क्वेश्चन मतलब सब कुछ मैं सीख लूंगा और जाके दे दूंगा इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आपका वैसा ही है, वो जो नहीं होता है क्या बोलते हैं जेई का एग्जाम जो होता है आई टी जेई, प्रॉब्लम हम लोग क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है वही क्वेश्चन बार बार बना होता है रिपीट। ये तो बात सही है, लेकिन भैया जब कोडिंग करवाते हैं तो फिर कोडिंग अगर कोई गारंटी नहीं है कोडिंग होगा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी अप्लाई किया था मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म थे लिंक्डइन से लेकर हायरिट से लेकर इंटर्नशाला से मतलब इंटर्नशिप के लिए ही, तो मुझको मतलब दो कंपनी से उधर से मतलब रिस्पॉन्स आया था। तो पहली जो कंपनी थी उन्होंने मतलब जैसे सुबह उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि शाम के 5 बजे तुम्हारा एक मतलब कोडिंग की कोडिंग मतलब टेस्ट होगा जूम पे। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और टेस्ट में उन्होंने क्या लिया था मतलब एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और डेटाबेस था। तो डेटाबेस मैंने पढ़ा ही नहीं था तो वो मेरा नहीं हो पाया, और एचटीएमएल सीएसएस में अच्छा स्कोर था और जेएस में भी कोडिंग वाला क्वेश्चन थे तो वो कुछ नहीं पाए। मतलब 7 क्वेश्चन से मैं चूक गया, नहीं तो 70% कह रहे थे अगर पा जाओगे तो तुमको रख लिया जाएगा। तो वहाँ से मतलब कोडिंग क्वेश्चन करवा दिए, नहीं हो पाया। और तो आप समझ गए क्या पूछा आपसे? हाँ, तो क्या पूछता है समझ में आया, लेकिन वही डाटा बेस पूछ लिया, नहीं तो फिर हमारा बन जाता वो माई से। ठीक है कोई बात नहीं, आप इससे मत लोड, मैंने लोड किए मतलब मेरा वो नहीं हुआ, नहीं होना मतलब बहुत कम नहीं है। मेरा स्टोरी मैं कहीं मतलब वहाँ पे डाल दूंगा जी, नहीं इतना मुझे मिला है ना कंपनी साइड से। मैं सारा राउंड निकाल के टेक्निकल राउंड मतलब दो दो राउंड कोडिंग वोडिंग सब निकाल के एचआर राउंड में निकल जाता था, इंग्लिश में स्ट्रांग था उसके कारण। तो उससे अब मत डरो कि मतलब मुझे आखिरी राउंड में निकाल दिया, आप मैं सीख तो लिए, अब सेकंड में अप्लाई करो। और सेकंड वाला सुन लीजिए, उसमें मतलब अभी मतलब आज तक का समय है, मतलब उन्होंने हमको कहा कि मैं तुम्हारे पास एक टास्क भेज रहा हूँ और उसको तुम रिएक्ट का ही टास्क था उसको तुम 24 आवर में कंप्लीट करके दो। तो बेसिकली वो एक प्रोडक्ट टाइप में टास्क था कि अगर वो प्रोडक्ट ऐड करो तो प्रोडक्ट ऐड हो जाए, फिर वो नेविगेशन में उसमें लिस्ट पे क्लिक करो तो जितने ऐड किए हो वो आ जाए, फिर एक सर्च बटन होगा उस पर सर्च करो तो जितने ऐड है वो सर्च होके आए, और लॉगिन करने के लिए था एपीआई मतलब सब कुछ उसमें दे दिए पूरा क्रूड एप्लीकेशन। तो उसको हम बनाए लेकिन हमसे दो चीज़ नहीं बन पाया है, तो उसी में हम कब से परेशान है कि अभी हमको बताइए, रिएक्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं लेकिन आ नहीं रहा।